अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। ए ओ रुकिए, ए ओ बिहार के सहरसा में ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। आपको बता दें, जिले में ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर कई बार धरना और प्रदर्शन भी किया गया था। कई वर्षों से यह अधेड़ में पड़ा हुआ था, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा ओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर सरकार व जिला प्रशासन से उन्होंने मांग की और धरना प्रदर्शन भी। खुशखबरी यह है कि अंततः उनकी सुन ली गई है और ओवर ब्रिज की मान्यता मिल गई है। ओवर ब्रिज अब बनेगा। सामाजिक कार्यकर्ता सोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों के साथ एकजुट होकर बंगाली बाजार टोला के समीप हर आने जाने वाले लोगों को मिठाई खिलाई गई और खुशियां बांटी गई। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। सहरसा वासियों का बरसों पुराना मांग था बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण करवाने का, जिसका बीड़ा आज से 4 साल पहले हम युवाओं ने उठाया और लगातार संघर्ष करता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि एवं बिहार के कई मंत्रियों के पास हम लोगों ने सहरसा वासियों के ओवरब्रिज निर्माण के लिए गुहार लगाता रहा। सड़क पर लगातार 4 सालों से तरह तरह का आंदोलन करता रहा, चाहे वह रेल चक्का जाम हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे पैदल मार्च हो, या सहरसा बंद जैसा आंदोलन हो। आज हम आभार व्यक्त करते हैं सहरसा बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी का, हम आभार व्यक्त करते हैं पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन जी का, हम आभार व्यक्त करते हैं मधेपुरा सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी का, सहरसा विधायक मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जी का। आज सहरसा को वो सफलता मिलने वाली है, हम युवाओं के संघर्ष को वो सफलता मिलने वाली है जिसका उम्मीद सहरसा 50 सालों से कर रहा था। सहरसा बंगाली बाजार ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण जल्द शीघ्र ही होने वाला है। ओवरब्रिज की स्वीकृति से आम लोगों में भी खुशी है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोहन झा ने कहा कि ओवर ब्रिज की मांग पिछले 4 वर्षों से करते आ रहे थे, लेकिन इस परेशानी पर जल्दी किसी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। भले ही 4 वर्ष लग गए हो, लेकिन अब इसकी स्वीकृति मिलने से हम लोगों में खुशी है। जाम की गंभीर समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह एक सपना था शहरवासियों का, जो अब साकार होने वाला है। सहरसा से सरफराज खान की रिपोर्ट।